मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं शिल्पी मामूरिया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फ्रॉम वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, जो आपके एफएम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है, एक स्टेटमेंट है जिसमें कैश के फ्लो का हम लिखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें सबसे पहले हम मीनिंग पढ़ेंगे कैश का, कि कैश होता क्या है। तो कैश इन हैंड, जो कैश हमारे हाथ में है, कैश डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट जो हमारे बैंक्स में अवेलेबल होती हैं, उन्हें हम कैश कैलकुलेट करते हैं। एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कैश जो है और कैश के बराबर जिन्हें हम मानते हैं, हिंदी में हम बोले तो हम उसे बोलते हैं समतुल्य, कि जो कैश के बराबर है, जिसमें हमारी वो चीजें आती हैं जिनको हम जब चाहे कैश में करंट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम मीनिंग पढ़ेंगे फ्लो का, कि फ्लो क्या होता है। फ्लो का मतलब है आपके इन एंड आउट, कि कितना कैश आपके पास आ रहा है। इन एंड आउट जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं वो है कैश के बारे में, कि कैश कितना आ रहा है और कैश कितना जा रहा है, कहाँ, फर्म में। एक फर्म में कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, ये हम पढ़ेंगे। और इन द ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द वन ईयर, एक साल के अंदर कितना कैश आपकी फर्म में आया और कितना कैश आपकी फर्म में से गया, विद इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जो फाइव का कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो आपके फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद में बनाया जाता है, लास्ट में बनाया जाता है जो, और ये बनता है आपका 31 मार्च को। यानी आपने लास्ट ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी कैश एक्टिविटीज की हैं, उन सबको हम इसमें लिखते हैं। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हर कंपनी को ये बनाना मैंडेटरी है। तो इस तरह से कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम वन ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाले सभी कैश ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करते हैं। कैश ट्रांजेक्शन आपके, जिन्हें हम 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, या जिन्हें हम कहते हैं कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज ए डेली रूटीन एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड होती हैं। यानी इसमें हम आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना कैश आपका आया और कितना गया, यानी कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश इनफ्लो, तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितना भी कैश इन हो रहा है आपके पास, उसे हम कैश इन फ्लो में इंक्लूड करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम, जैसे जिसे हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं बेटा, कैश सेल्स। तो कैश सेल्स से जो पैसा हमारे पास आएगा, वो फिर रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। डेटर्स इट मीन्स जिन्हें हम क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल हम जिन्हें करते हैं, उनसे हमारे डेटर्स बनते हैं, और डेटर्स जब हमें पेमेंट करेंगे तब उन्हें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन एक्टिविटीज के अंदर काउंट करेंगे। फिर कमीशन एंड फीस जो हमें मिलती है, यानी इन होती है, हमारी फर्म में कैश में आती है। इसके अलावा रॉयल्टी, हमने रॉयल्टी किसी को कोई चीज दे रखी है लीज पर, तो उससे जो रॉयल्टी मिलेगी इन कैश, उसे भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। फिर आते हैं हम आउटफ्लो पर, यानी वो आउटफ्लो में हम उन एक्टिविटीज को इंक्लूड करेंगे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अपनी फर्म से बाहर जा रही हैं। दैट इज द कैश परचेज। ये कैश परचेज आपका किसी भी चीज का हो सकता है बेटा। इट इज द रिलेटेड टू द रॉ मटेरियल, इट इज रिलेटेड टू द टूल्स। तो हम जो भी आपके डेली रूटीन की चीजें लेते हैं, परचेज करते हैं फर्म में, वो हमारी कैश परचेज में इंक्लूड होंगी। पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, जिनसे हमने क्रेडिट परचेज किया है,
जिनसे हमने बेटा क्रेडिट परचेज किया है उनको जब हम पेमेंट करते हैं तब उन्हें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखते हैं। अगर हम उन्हें पेमेंट नहीं कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर आपके, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। फिर आती है हमारी कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही हमारे जो हमारे डेली रूटीन से रिलेटेड होते हैं। डेली रूटीन से रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से हुए हमारे, जैसे सैलरी हुई हमारे, हमारी स्टेशनरी हुई, है ना, रेंट हुआ। तो इस तरीके के जो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करते हैं वो एक्सपेंसेस हमारे मोस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहे जाते हैं। तो इनमें से वो एक्सपेंसेस जो हमने कैश पे किए हैं या फिर विद इन वन ईयर हमारे कैश में कन्वर्ट हुए हैं, उन सबको हम कैश आउटफ्लो में लिखेंगे, क्योंकि ये कैश हमारे यहाँ से हमारी फर्म में से क्या हो रहा है बेटा, बाहर जा रहा है। फिर है पेमेंट ऑफ वेजेस। जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में हम वेजेस लिखते हैं उस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमने जो भी वर्कर्स हैं उनको जो कैश पेमेंट किया है वेजेस का, उसको भी हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो हमने इनकम टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स जो हम पे करते हैं वो लास्ट ईयर का पे करते हैं, तो वो इनकम टैक्स भी हम यहाँ पर अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही दिखाते हैं। उसके बाद आते हैं हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर। सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्टिविटीज जिनमें हमने पैसा लगा रखा है, जिन्हें जो हमारी कैपिटल होते हैं उनसे रिलेटेड जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, दैट कॉल द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम किन में इन्वेस्ट करते हैं, हम कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं यानी हमारी फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्टली इनमें भी हम इन्हें एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, यानी वो एक्टिविटीज जो कैश में हमारी फर्म में आई हैं और वो एक्टिविटीज जो कैश में हमारी फर्म से बाहर गई हैं। तो फर्स्टली जो है वो है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कुछ हमारी फिक्स एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, पुरानी हो जाती है, उनको रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए हम उन पुरानी को सेल कर देते हैं और उसकी जगह नई रिप्लेस कर लेंगे, या फिर वो बहुत पुरानी हो गई है या उसमें कोई खराबी हो गई है तो उसको सेल करने से हमें जो कैश अमाउंट मिलती है उस कैश अमाउंट को हम कैश इनफ्लो में इंक्लूड करते हैं। सेकेंडली इसी तरह से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप सेल कर रहे हो तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपके इनफ्लो में आएगा, क्योंकि ये दोनों एक्टिविटी करने के बाद आपको क्या मिलता है, कैश मिलता है, और वो कैश किसका होता है बेटा, फर्म का होता है। फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और एक पॉइंट होता है इसमें ही आपका डिविडेंड रिसीव्ड। अब आप ये सोचेंगे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड इसमें कैसे आया, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका क्या हुआ कि आपने अपनी फर्म से किसी को बोरोइंग्स दे रखी हैं, तो जो बोरोइंग्स आपने दे रखी हैं उन बोरोइंग्स पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। एंड आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा